सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं आ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच सब तों पहलां गल करांगे सुप्रीम कोर्ट दी, जिस दे वल्लों लखीमपुर कांड नूं लै के दो वड्डे फैसले लै गए ने। पराली दे प्रदूषण नूं लै के वी सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों सरकारां नूं झाड़ इक वार फिर तों पाई गई है। पंजाब दे किसान मुख्यमंत्री चन्नी नूं मिले, मंगां रखियां, किहड़ियां मन्नियां गईआं, किहड़ियां रहि गईआं, तुहानूं उस बारे जानकारी देंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर तो अपनी ही सरकार नूं घेरा पा लिया है। प्रकाश सिंह बादल दे वल्लों चोणां संबंधी पंजाब दे लोकां नूं किहड़ी अपील की गई है। सुखबीर बादल अते प्रकाश सिंह बादल अफीम खांदे ने, यह दावा किसने अते क्यों किया है, तुहानूं सारी जानकारी देने जा रहे हैं। पर सब तो पहलां शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट तो। लगातार योगी सरकार की जांच ते सवाल सुप्रीम कोर्ट के वलों लखीमपुर खेड़ी कांड दे विच चुके जा रहे सन। लगातार सुप्रीम कोर्ट के वलों कहा जा रहा है कि जांच इंज जापदा है कि जिवें दोषियों नूं बचाउण दे लई कीती जा रही है। कुछ दिन पहलां सुप्रीम कोर्ट के वलों योगी सरकार नूं यह सुझाव दिता गया सी कि क्यों ना असीं तुहाडी SIT दे उपर कोई कोर्ट का साबका जज बिठा दईए जिहड़ा कि निगरानी करेगा। 15 नवंबर नूं योगी सरकार ने इस गल दी हामी भर दित्ती सी कि हाँ तुसीं कोई साबका जज निगरानी वजों ला सकदे हो जिहड़ा कि निरपक्षता की निगरानी करेगा कि जिहड़ी भी जांच होवे वह बिल्कुल निरपक्ष तरीके नाल होनी चाहीदी है। अते हुण सुप्रीम कोर्ट के वलों लखीमपुर कांड नूं लै के लखीमपुर केस नूं लै के दो वड्डे फैसले लै गए ने। पहला फैसला तो यह लिया गया है कि जिहड़ी SIT योगी सरकार के वलों बनाई गई है उसके उपर पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट के साबका जज राकेश कुमार जैन नूं निगरान नियुक्त कर दिता गया है। राकेश कुमार जैन पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट के साबका जज ने, उन्हां नूं जिम्मेवारी यह दिती गई है कि योगी सरकार की SIT जिहड़ी उन्होंने टीम बनाई है इनवैसटीगेशन करन दे लई उसते निगरानी रखणगे कि किसी भी तरीके नाल निरपक्षता दे नाल कोई भी समझौता ना किया जाए, चंगे तरीके नाल जांच होनी चाहिए है। दूजा वड्डा फैसला लखीमपुर कांड नूं लै के सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों लिया गया, जिहड़ी SIT योगी सरकार ने बनाई है उसदे विच 3 मैंबर होर भी ऐड कर दिते गए ने। 3 IPS अधिकारी SIT दे विच शामिल कर दिते गए ने, क्योंकि जदों भी सुनवाई हुंदी है सुप्रीम कोर्ट हर वार कहिंदा है कि जापदा नहीं कि योगी सरकार दोषियों नूं सजावां देना चाहती है। इस करके लगातार फटकारा लाने तो बाद आखिर दो वड्डे फैसले सुप्रीम कोर्ट के वल्लों लै लए गए ने। हुण अगली सुनवाई उदों होवेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी दित्ती कि हुण अगली सुनवाई उदों करांगे जदों SIT अपनी जांच पूरी कर लवेगी अते चार्जशीट दाखिल की जाएगी, उदों इस केस से अगली सुनवाई होवेगी। पर हुण तक जो भी तथ्य इस जांच दे विच सामने आए ने वह किसी भी पक्ष तो BJP दे लई खास तौर पर चंगे नहीं कहे जा सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दे विच केंद्रीय राज गृह मंत्री दे पुत्तर नूं मुख दोषी इस केस दे विच बनाया गया है अते आशीष मिश्रा दे खिलाफ लगातार एक तो बाद एक खुलासा हुंदा दिखाई दिंदा अते हुण सुप्रीम कोर्ट दी सख्ती ने भी योगी सरकार नूं कसूता फसा के रख दिता है। अगे वधदे आ, अगली खबर भी सुप्रीम कोर्ट दे नाल अते किसानां दे नाल ही जुड़ी हुई है। पराली दे प्रदूषण नूं लै के लगातार सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई चल रही है अते सरकारां नूं फटकारां लाउण दा काम लगातार सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों कीता जा रिहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तां दिल्ली दे हवा प्रदूषण नूं लै के एमरजेंसी दे हालात तक कह दिता है अते हुण पराली दे प्रदूषण नूं ही मुख वजह दसण तों बाद सरकारां दे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट दा गुस्सा फुटदा दिखाई दिंदा है। अज सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों इत्थों तक टिप्पणी कर दित्ती गई कि 5 तारा होटलों दे विच बैठ के किसानां नूं दोष देना बहुत आसान है, तुसीं इह क्यों नहीं सोचदे कि किसान आखिर पराली नूं अग क्यों लाउंदे ने। सरकारां किसानां दी मदद करन दे समर्थ ने, उहनां नूं मशीनां मुहैया करवाइयां जा सकदियां ने, सरकारां इह सब कुछ कर सकदियां ने क्योंकि उहनां दे कोल समर्था है। फिर सरकारां दे वल्लों अजिहा क्यों नहीं कीता जांदा, किसानां नूं दिओ मशीनां ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ
लाई जाती है जिस दे नाल दिल्ली दे विच हवा का प्रदूषण एमरजेंसी तक पहुँच जाता है। बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, हवा जहरीली हो जाती है, लगातार किसानों को ही इस दे लई जिम्मेवार दसिया जा रहा सी। अते हुण जदों सुप्रीम कोर्ट के वलों इन्नियां तिखियां टिप्पणियां सरकारां दे खिलाफ कीतियां गईयां तां दिल्ली दी सरकार जिहड़ा वकील है उसके वलों एक बार फिर तो किसानों को ही इत्थे दोषी दसण की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के जवाब के विच दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि पराली नू साड़ना इन्ने हड़के दे विच नहीं लिया जाना चाहिदा, ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। भाव दिल्ली सरकार अजे भी मन रही है कि हाँ किसानों वालों पराली साड़े जाने करके ही दिल्ली की हवा के विच जहर घुल जाता है, पर सुप्रीम कोर्ट के वलों सूर्यकांत जस्टिस सूर्यकांत के वलों ये भी दावा दो तीन दिन पहला किया गया सी कि असी भी किसान परिवारों के नाल संबंध रखते हाँ। उन्होंने खुद निजी तौर पर भी जानकारी दी कि मैं भी एक किसान हाँ अते जिहड़े देश के मुख जज ने वह भी किसान परिवार नाल संबंध रखते ने, सानू किसानां दीआं मुश्किलां दा बिल्कुल पता है। उत्तरी भारत के किसान इन्ने ज़्यादा अमीर नहीं होंदे, उन्हां दे कोल इन्ना सरमाया नहीं हुंदा कि वह मशीनां खरीद सकन, फिर सरकारां दे वल्लों उन्हां दी मदद क्यों नहीं कीती जांदी है। हुण पंजाब सरकार दे वल्लों भी इत्थे हलफनामा सुप्रीम कोर्ट दे विच दाखल कीता गया है क्योंकि लगभग सारे ही उत्तरी भारत दे सूबियां नूं इस केस दे विच पार्टी सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों बनाया गया सी। पंजाब सरकार ने इत्थे तर्क दिता है कि असी किसानां दी मदद करना चाहुंदे हाँ पर आर्थिक तौर ते केंद्र सरकार दे वल्लों साडी मदद नहीं कीती जा रही है। असी केंद्र सरकार नूं इह अपील कीती सी कि किसानां दी मदद करन दे लई 100 रुपए प्रति क्विंटल मुआवजा किसानां नूं देना चाहीदा है तां जो पराली नूं उत्थे ही वह अपने खेतां दे विच ही खपा देण। इस दे नाल किसानां नूं भी फायदा होवेगा क्योंकि उन्हां दीआं जमीनां होर भी अगली फसल दी उपजाऊ हो जाणगीआं, पर इस संबंधी केंद्र सरकार दे वल्लों साडे नाल कोई भी सहयोग नहीं किया जा रहा। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के सरकार आपस के ही लड़दियां झगड़दियां दिखाई देंदियां ने। दिल्ली सरकार के वलों लगातार इसे गल से ही जोर दिता जा रहा है कि जिहड़ा हवा प्रदूषण इस वेले दिल्ली दे विच है वह सीधे तौर पर पंजाब अते हरियाणा के किसानों वालों साड़ी जा रही पराली के करके ही हुंदा है। इस तरह पराली के प्रदूषण को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई जारी है। पर जेकर गल करिए पंजाब भाजपा की इकाई की ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ RTI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਗਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ RTI ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਢਵਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 310 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਹ ਘੋਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ? ਸਿਰਫ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। 310 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸਿਰਫ 40,000 ਰੁਪਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਗਭਗ 16 ਕਰੋੜ। ਵੇਖੋ 40,000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ। ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਖੁਦ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਤੀਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 18
मंगा पंजाब सरकार दे अगे रखियां गईयां जिन्हां बारे जानकारी खुद बाद दे विच मीटिंग तो बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे वल्लों प्रैस कॉन्फ्रेंस करके दित्ती गई। उन्होंने दावा किया कि मैं 18 दे विचों 17 मंगा किसानां दीआं मन लईआं ने अते 18वीं मंग है कर्जा मुआफी दी, उस नूं लै के भी साडी सरकार तैयारी कर रही है। किसानां दे नाल एक होर बैठक करांगे जिस दे विच अंतिम रूप रेखा कर्ज मुआफी नूं वी दे दित्ती जाएगी, वो भी मंग मन लवांगे। पूरी तरह इत्थे किसानां दे पक्ष विच बोलदे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दिखाई दित्ते। उन्होंने तो इत्थों तक दावा कर दिता कि जेकर किसान कहिंदे ने कि अंदोलन दे विच मेरी लोड़ है, मैं मुख्यमंत्री दे अहुदे तों अस्तीफा दे दिंदा अते किसानी अंदोलन दे विच आ जाना हाँ। किसान दसन तां सही करना की है, मैं अते मेरी सरकार पूरी तरह किसानां दे नाल हाँ। जेकर कुछ मंगां दी गल करिए जिहड़ियां कि मन्नियां गईयां ने, इहदे विच सब तों ज़्यादा इंपोर्टेंट जेकर गल करिए तां उह है गुलाबी सुंडी दे करके नरमे दा जो खराबा होया है उस नूं लै के पंजाब सरकार दे वल्लों सिर्फ 12,000 रुपए प्रति एकड़ दे मुआवजे दा ऐलान कीता गया सी अते इस दी मंग किसानां दे वल्लों 60,000 रुपए प्रति एकड़ कीती जा रही सी। हुण 12,000 तों वधा के 17,000 रुपए प्रति एकड़ दा मुआवजा चन्नी सरकार दे वल्लों करन दा ऐलान कर दिता गया है। अते इन्हां मंगां बारे चरणजीत सिंह चन्नी दी प्रैस कॉन्फ्रेंस तों बाद किसान आगुआं दे वल्लों भी एक प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती गई अते किसान आगुआं ने भी इन्हां मंगां नूं मन्ने जाण बारे जानकारी पंजाब दे लोकां नूं दित्ती है। उह कहिंदे ने कि जो जो मंगां असीं रखियां सन ज़्यादातर चन्नी सरकार मन्नण लई राजी हो गई है। इस दे विच केस जिहड़े कि रजिस्टर्ड होए सन पराली साड़न दे करके जां फिर किसानी अंदोलन दे करके जिहड़े परचे किसानां ते होए सन उहनां नूं भी रद्द करन दी हामी इत्थे चन्नी सरकार दे वल्लों भर दित्ती गई है। जिन्हां किसानां दी जान गई है अंदोलन दे विच उहनां दे परिवारां नूं नौकरियां अते ढुकवां मुआवजा भी चन्नी सरकार दे वल्लों दित्ता जाएगा। जिन्हां दी झोने दी फसल अजे तक नहीं खरीदी गई है, चन्नी सरकार ने हामी भरी है कि अगले 3-4 दिनां दे विच पंजाब दे विच सारे ही किसानां दी फसल खरीद लई जा ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 5 ਟਵੀਟ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਰਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਇਰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਹੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੇ, ਨਾਮ ਕਿਸ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ FIR ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ।
उन्हां दी बोलबाणी बदल गई सी। वह कह रहे सन कि इन्नी छेती इन्हां दोनों मुद्दों का हल नहीं हो सकता, 6 साल पुराने ये केस ने, इन्नी छेती इको दम नहीं कर सकते, पर सानू करने जरूर पैणगे, गल्लां नाल नहीं सरना, सानू एक्शन करना ही पवेगा। एक तरीके नाल असिधे तौर पर उन्होंने चन्नी सरकार नू बीते दिन भी यह चेतावनी दे दी सी कि इन्हां दोनों मुद्दों पर तो आपां नू काम करना ही पैना है, उन्नी देर तक गल्लां नाल गुजारा नहीं होना। अज ट्वीट करके उन्होंने चन्नी सरकार नू सीधे तौर पर अपील कर दी है कि STF की रिपोर्ट जनतक की जानी चाहिए है। सरकार कहती है कि STF की रिपोर्ट कोर्ट के पई है, उतों कोर्ट ने दसना है कि कदों खोलनी है, कदों नहीं खोलनी। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि उस रिपोर्ट की एक कापी सरकार दे कोल पहुँच चुकी है, सरकार जानबूझ के जनतक नहीं कर रही है। हुण PPCC का प्रधान कह रहा है कि सरकार दे कोल रिपोर्ट हैगी है, जनतक करो। सरकार कहती है, वह भी कांग्रेस के प्रधान ने, सरकार भी कांग्रेस की है, पर सरकार कहती है साढ़े कोई कापी नहीं, सिर्फ कोर्ट के विच ही है, कोर्ट ने ही उस जनतक करना है, साढ़े हाथ वस कुछ भी नहीं है। सिद्धू कहें हाँ अधिकार हैगा जनतक कर सकते हैं। इस तरह सिद्धू और चन्नी के बोल आपस में STF की रिपोर्ट में लैके बिल्कुल भी मिलते दिखाई नहीं देंगे। अगे बढ़ते हैं, गल नवजोत सिंह सिद्धू की ही कर लें। बीते दिन नवजोत सिंह सिद्धू के वालों एक अजिहा बयान दे दिता गया जिसने कि कांग्रसी विधायकों के साथ सुका के रख दी। उन्होंने को पूछा गया इस बार टिकटा किवें बन रहे हो, कहिंदे ने सिर्फ ते सिर्फ इको ही क्राइटीरिया रखिया गया है, इको ही योग्यता रखी गई है, अते ओ है जित, मैरिट। मैरिट के आधार पर फैसला किया जाएगा। इदा बिल्कुल ना समझा जाए कि जिहड़ा हुण विधायक है उसनू टिकट जरूर मिलनी है। इस बार काफ़ी कुछ होवेगा अते जदों असीं टिकटा अनाउंस करांगे, जदों टाइम आएगा उदों तुहानू भी पता लग जाएगा कि साडे वल्लों किस तरीके नाल इस बार टिकटा वंडियां जांदियां ने। हुण जदों नवजोत सिंह सिद्धू ने मौजूदा विधायकों नूं लैके छशो पंज पा दिता है तां फिर कांग्रेसी विधायक इस वेले हुण डरे डरे दिखाई देंदे ने कि किस नूं टिकट मिलेगी अते किस नूं टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि सियासी चर्चावां चल रही ने कि नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों काफ़ी कांग्रेसी विधायकों जिहड़े मौजूदा विधायक ने उन्हां नूं झटकाया जा सकता है अते नवें चेहरियां नूं टिकटां कांग्रेस पार्टी दे वल्लों दित्तियां जा सकदियां ने। अगली खबर दे वल वधदे हां। पंजाब दे 5 वार मुख्यमंत्री रह चुके प्रकाश सिंह बादल की गल कर लें। वैसे तो वह सियासी सरगर्मियां घट दिखाते हैं, पर जदों भी वह बाहर आते हैं पंजाब के लोगों को कोई ना कोई अपील जरूर कर जाते हैं। एक बार फिर तो प्रकाश सिंह बादल मीडिया अगे आए और उन्होंने पंजाब के लोगों को अपील की कि कांग्रेस पार्टी ने पंजाब का आर्थिक धार्मिक राजनीतिक बहुत वड्डा नुकसान किया है। आर्थिक नुकसान वह कहते हैं साडा पानी खोलिया, धार्मिक नुकसान कहिंदे ने दरबार साहिब ते हमला किया, दिल्ली दे विच कतलेआम करवाया, अते राजनीतिक नुकसान कहिंदे ने कि साडी राजधानी चंडीगढ़ साडे तों खो लई। हुण जिस पार्टी ने इन्ना वड्डा नुकसान पंजाब दा कर दिता है, जेकर असीं उसका साथ दिंदे आ तां इह बहुत वड्डा गुनाह अते पाप होवेगा। ये दो शब्द प्रकाश सिंह बादल दे वल्लों इत्थे वरत दिते गए, गुनाह अते पाप होवेगा जेकर असीं कांग्रेस पार्टी नूं जिताउंदे हाँ, उन्हां नूं वोटां पाउंदे हाँ। वो तो यह भी कहते हैं कि जेकर असी कांग्रेस पार्टी नूं ही सत्ता दे विच लियाउने आ, इस दे नाल इस गल ते मुहर लग जाएगी कि जो कांग्रेस ने किया वो ठीक किया, जिवें कि दरबार साहब ते हमला किया असी जिता दिंदे आ, मतलब असी कह रहे हैं कि उन्होंने हमला करके ठीक किया, कतलेआम करके ठीक किया, पानी खो के राजधानी खो के ठीक किया। इस तरह लगातार ये भावुक अपीलां प्रकाश सिंह बादल दे वल्लों पंजाब दे लोगों नूं कीतियां जा रही ने। नाल दी नाल वो आम आदमी पार्टी बारे भी दावा करते हैं, कहते हैं उस दीआं जड़ां दिल्ली दे विच ने, जदों भी वह सोचणगे पहल अपने आप नूं देणगे, भाव दिल्ली नूं देणगे, पंजाब नूं कदे भी पहल दिल्ली दी पार्टी नहीं दे सकती है। इस तों इलावा वह कहिंदे ने श्रोमणी अकाली दल इत्थों दा है, सानू बहुत ज़्यादा इस दे नाल लगा है पंजाब दे नाल, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल तो है ही पंजाब दे विच, इस करके असी जदों भी सोचांगे सब तो पहला पंजाब बारे ही सोचांगे। इस करके लोगों भी श्रोमणी अकाली दल बारे ही सोचना चाहिए है, पंजाब की अपनी पार्टी जिताउणा चाहिए है। प्रकाश सिंह बादल दे वल्लों यह काफ़ी अहम अपील पंजाब दे लोगों नूं कर दित्ती गई है। अगे वधदे आ, गल जेकर बादलों की कर रहे हैं तो नवजोत कौर सिद्धू दे वल्लों सुखबीर सिंह बादल अते प्रकाश सिंह बादल बारे एक बहुत वड्डा दावा कर दिता गया है। वो लगातार मंग कर रहे ने कि पंजाब दे विच अफीम की खेती करवाई जानी चाहिए है सरकार दे वल्लों।
पूछा गया कि सुखबीर सिंह बादल एतराज़ जाहिर कर रहे हैं, कहिंदे ने सुखबीर बादल नूं सब तो ज़्यादा फायदा होना है जेकर अफीम पंजाब दे विचों मिलदी है। सुखबीर बादल भी अफीम खांदा है, रोज़ खांदा है, प्रकाश सिंह बादल भी अफीम खांदा है, अते जेकर पंजाब दे विच ही अफीम मिलेगी सुखबीर सिंह बादल नूं तां फायदा ही होएगा। हुण राजस्थान तो लिया के अफीम खा लैंदा है, बाद विच वड्डियां वड्डियां गप्पां मारदा है, लोग हसदे ने उसका मजाक उड़ाउंदे ने। पंजाब दे विच अफीम की खेती होएगी, सुखबीर सिंह बादल नूं उन्नी ही अफीम मिलेगी जिस दे नाल उह ठीक ठीक गल्लां करेगा अते लोग भी उसका मजाक नहीं उड़ाउणगे। मैं तो सुखबीर सिंह बादल का फायदा ही सोच रही हाँ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। अगली खबर के वल वधदे हां। अगली खबर श्री करतारपुर साहब के लांघे दे नाल जुड़ी हुई है। लांघा खुल गया, पहला जत्था श्री करतारपुर साहब चलिया गया। संगतां दे विच काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने मिलिया। संगतां ने धन्नवाद किया दोनों पासे दीआं सरकारां दा कि काफ़ी देर बाद लांघा खुलिया है, बहुत चंगा किया गया है। इस नूं लैके हुण सियासी लीडरां दे वल्लों भी लगातार ऐलान किए जा रहे हैं। पंजाब सरकार दे वल्लों भी ऐलान किया गया है कि सारी कैबिनेट मत्था टेकण जाएगी, नतमस्तक हो के आएगी। अते हुण आ पंजाब दे प्रधान भगवंत मान दे वल्लों भी ऐलान कर दिता गया है कि आम आदमी पार्टी दे सारे विधायक 19 नवंबर नूं श्री करतारपुर साहिब विखे जाणगे, उत्थों दी मिट्टी लै के आउणगे तां जो कहिंदे ने कि सानूं समत बख्शे गुरु साहिब अते असीं पंजाब दे भले लई काम कर सकीए। पंजाब दे चढ़दी कला दे लई अरदास भी श्री करतारपुर साहिब विखे करके आवांगे। ये जानकारी भगवंत मान दे वल्लों इत्थे दिती गई है। ये सन कुछ वो खबरां जो तुहाडे तक पहुँचाउणियां, तुहाडे लई जानणियां बहुत जरूरी सन। इन्हां खबरां विचों किसे खबर बारे जां फिर पंजाबी प्राइम टाइम बारे तुहाडी कोई भी राय जां सुझाव है तां कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। चैनल ते जेकर नवे आए हो सबसक्राइब कर लो, फेसबुक ते पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाजर होवांगा। तुसीं देखदे रहो द पंजाब टीवी, हर खबर दा सच।